हाय गाइस, सो फाइनली आज मैं कुक विद डीकेआई का फोर्थ एपिसोड लेके आई हूँ। आई एम वेरी 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 सॉरी, सिंसियरली माय अपोलॉजीज कि मैं जानती हूँ मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, लेकिन आप लोग जानते हैं कि कुछ समय के लिए मेरी और शोएब दोनों की तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद डेला का प्लान बन गया, उसके तो ब्लॉग्स आप लोगों ने देखे ही होंगे। एंड यू नो, जब भी मैं कुक विद डीकेआई शूट कर रही होती हूँ ना, मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि मैं किसी और की रेसिपी कुक कर रही हूँ तो वो मैं किसी भी तरह से गलत नहीं हो सकती, इसलिए उसके लिए मुझे थोड़ा सुकून से करना होता है। लेकिन आज मैंने सोचा था कि चाहे जो हो जाए मैं आज एक एपिसोड शूट करके ही रहूँगी, एंड इसीलिए रात के बज रहे हैं 2 और इस वक्त मैं अपनी शूट शुरू कर रही हूँ। तो मेरे हाथ में हॉट चॉकलेट है मुझे थोड़ी एनर्जी देने के लिए। नो नो, जस्ट किडिंग, मुझ में बहुत एनर्जी है इस वक्त क्योंकि मैं आप लोगों की रेसिपी बनाने वाली हूँ जो आप लोग इतने प्यार से भेजते हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ मैगी मंचूरियन। सो मैगी मंचूरियन, मैगी किसको पसंद नहीं है? मैगी सबको पसंद होता है। ओके, नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन, आप लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं, मैगी होता है या मैगी होती है? मैं होता है प्रोनाउंस करती हूँ, मेरे आसपास के सब लोग, आई थिंक शोएब भी होती है प्रोनाउंस करते हैं। सो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए और आपको जो अच्छा लगता है। सो मैगी इज़ फेवरेट फॉर एवरीबॉडी, आई थिंक सेफ। ओके, सो जैसे ही मैंने ये रेसिपी पढ़ी, मैगी मंचूरियन, इट रियली फैसिनेटेड मी। एंड ये रेसिपी है प्राची अग्रवाल की। हाई प्राची, शी इज़ फ्रॉम झांसी, एंड इन्होंने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी मुझे भेजी है। सो एक्चुअली बहुत सारी रेसिपीज आई थी ऑब्वियसली बिकॉज आई स्किप्ड सो मेनी एपिसोड्स, तो बहुत सारी थी। मैंने कुछ 4-5 शॉर्टलिस्ट की थी एंड मैंने कुछ लोगों को डीएम भी किया, क्योंकि मेरे जब भी रेसिपी में कोई क्वेरी होती है तो मैं ज़रूर डीएम करती हूँ, एंड दे ऑल वो शॉर्ट लिस्टेड रेसिपीज़। लेकिन आज के एपिसोड के लिए मैंने फाइनल किया कि मैं ये बनाऊँगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सो यहाँ पे हमको 4 मैगीज चाहिए। मैंने सिंगल मैगी लिया है, सिंगल पैकेट, 4 पैकेट्स। आप जो कॉम्बो पैकेट आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज प्राची ने लिखा था कि उन्होंने वही यूज़ किया है, सो यू कैन डेफिनेटली यूज़ दैट। एंड इसके अंदर जो 4 पैकेट मैगी मसाला है वो भी हम यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। एंड वी नीड सम सॉल्ट, ये मैं हमें चाहिए 1 बड़ा कटोरी फाइनली चॉप्ड अनियंस। तो मैंने, मेरे पास इतने छोटे साइज के अनियंस थे तो मैंने 3 वो लिए हैं, सो इट हैज़ गिवन मी दिस मच अनियन। देन वी नीड सम कैप्सिकम्स, ये मैंने 2 छोटे साइज की कैप्सिकम ली हैं और ये मैंने रफली चॉप कर ली हैं, एज इन क्यूब कर ली हैं। फिर हमें थोड़ा सा गार्लिक चाहिए, 1 मीडियम एडिशनल अनियन, रफली चॉप्ड और क्यूब्ड, जैसा भी आपको पसंद हो। देन वी नीड चावल का आटा, विच इज़ राइस फ्लोर, और हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर। और सॉसेस की तरफ आ जाते हैं, हमें चाहिए वाइट विनेगर, देन वी नीड रेड चिली सॉस, वी नीड सम ग्रीन चिली सॉस, एंड वी नीड सोया सॉस। अब इसमें आप अगर चाहें फ्लेवर ऐड करने के लिए शेजवान सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, जो पूरी तरह से ऑप्शनल है। सो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, प्राची के अकॉर्डिंग आप वो डाल सकते हैं, उन्होंने भी डाला था तो बहुत अच्छा टेस्ट आया था। सो वो कहाँ ऐड करनी है वो मैं आपको ड्यूरिंग द रेसिपी बताऊँगी। एंड वन मोर थिंग वाज़ देयर, या ग्रीन चिलीज, ग्रीन चिलीज आप चॉप्ड, फाइनली चॉप्ड करके यूज़ कर सकते हैं, वो भी कहाँ वो मैं आपको ड्यूरिंग द रेसिपी बताऊँगी। मैं ज़्यादा ग्रीन चिलीज नहीं खा सकती इसलिए वो मैंने स्किप कर दिया। सो चलिए हम जल्दी से अपनी रेसिपी बनाने की शुरुआत करते हैं और साथ साथ में गप्पे मारते रहते हैं। सो हर बार की तरह मैं आज भी एक इंग्रेडिएंट भूल गई हूँ और वो है टमेटो केचप। सो हमें इसके लिए टमेटो केचप भी चाहिए। ओके, सो सबसे पहले हमें पानी बॉईल करना है और उसमें हमें ये 4 में से 3 मैगी बिना मसाले बॉईल करने हैं। सो जब मैं घर पे मैगी बनाती हूँ मैं ये एक ही मग डालती हूँ फॉर 1 मैगी, 1 पैकेट ऑफ मैगी। सो इसीलिए मैंने ये 3 मग्स डाले हैं। प्राची ने लिखा था 2 ग्लास, अब उनका ग्लास बड़ा होगा सो शायद इसलिए उन्होंने 2 ग्लासेस लिखा था। मैं, आप अपने हिसाब से, एक में आप कितना डालोगे उसी हिसाब से आप डालिएगा। सो जब तक ये बॉईल होता है तब तक मैं इन्हें कट कर लूँगी और जो मसाला है वो निकाल के साइड में रख लेंगे।
और ये जो लास्ट मैगी जो बच गई है इसको हमें हल्का सा क्रश करना है, एकदम महीन पाउडर भी नहीं बेसिकली, क्योंकि इसके इसमें हमें मंचूरियन बॉल्स रोल करके उन्हें फ्राई करना है, तो मैं इसमें हल्का सा इसे क्रश करूंगी, ज़्यादा नहीं। ओके, सो हमारा पानी बॉईल होने लग गया है, अब हम इसमें अपना मैगी जो है वो डाल देंगे। सो अब हमें इसे तब तक कुक करते रहना है जब तक इसका पानी पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। हमने बॉईल करके ठंडा कर लिया है, अब इसमें हम सबसे पहले जो फाइनली चॉप्ड अनियंस हैं वो मिक्स कर देंगे पूरे। अब इसमें हमें डालना है हमारे 4 पैकेट्स ऑफ मैगी मसाला। एंड अब इसे हमें ये जो क्रम्स किए हुए हमारा एक एक मैगी हमने क्रम्स किया था उसमें हमें इसे डिप करना है और हल्का सा दबाना है। पहले कभी ना सुना है ना मैंने खाया है मैगी मंचूरियन, मैं पहली बार सुन रही हूँ और मैं बना रही हूँ, वाओ। सो आप लोग बताइए कि आपने कभी पहले मैगी मंचूरियन खाया है कहीं पे? सो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। वैसे भी मैगी के साथ तो हम सबकी इतनी सारी यादें जुड़ी होती हैं, कुछ ना कुछ कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी किसी ने आई थिंक ये एक लेट नाइट स्नैक है जो सबका बेस्ट फ्रेंड होता है। मैं और शोएब तो अक्सर जब रात रात भर जग के कुछ देख रहे होते हैं तो भूख लगी है क्या खाएं, मैगी बनाते हैं। सो ये मेरे 15 मंचूरियन बॉल्स बनके पूरा ड्राई नूडल से कवर होके रेडी है, लेकिन जो पूरा बैटर हमने बनाया था उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचे हैं। अब मेरे ड्राई नूडल्स ख़त्म हो गए तो मैं एक फ्रेश पैकेट खोल रही हूँ, तो अकॉर्डिंग टू मी जिस तरह से मैंने कोट किया है, या तो शायद मैंने ज़्यादा लगा दिया या आई डोंट नो व्हाट, मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा है। तो आप एक केक ऑफ ड्राई नूडल्स कम पड़ेगा आपको, थोड़ा और लगेगा। सो आई एम यूजिंग
तेल का अच्छी तरह से गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर तेल थोड़ा भी ठंडा हुआ तो ये देखिए जैसे मेरा ये एक मंचूरियन फट गया वैसे ये फट जाएगा। सो हम सॉस मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। ये मैंने लिया 1 टीस्पून विनेगर, 2 टीस्पून सोया सॉस, 2 टीस्पून रेड चिली सॉस, 2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस। एंड क्योंकि मुझे टमेटो केचप थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो दो प्राशी ने लिखा है 2 टीस्पून, मैं लूँगी 3 टीस्पून टमेटो केचप। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रखेंगे, बाद में ग्रेवी में यही मिक्सचर जाएगा। एंड अब मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और 1 कप पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम साइड में रख देंगे। मंचूरियन बॉल्स पूरे फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हमें इसे डीप गोल्डन ब्राउन करना है। एंड बस जैसा कि प्राची ने लिखा था कि उसमें नूडल्स जो हमने कोट किए हैं वो गिरेंगे, मेरे में तो गिरे ही नहीं। अब पता नहीं मैं सही हूँ या मैंने कुछ गड़बड़ की है, बट दिखने में मुझे ये काफ़ी सही लग रहे हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। जैसा कि मैंने इससे पहले दिखाया कि हमने सॉस रेडी कर ली है और हमने एक कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स करके रख लिया है। आपको सडनली लाइटिंग में थोड़ा सा फ़र्क लग रहा होगा क्योंकि मेरी जो लाइट है वो कुछ तो चिरचिर चिरचिर करके बंद हो गई। अब मैं उसको ऑन नहीं कर रही, मतलब मैंने ऑन किया तो वो ऑन नहीं हो रही, तो मेरी लाइट भी ख़राब हो गई। बट आई वॉन्ट टू फिनिश दिस वीडियो। सो मैंने ये पैन यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, लगभग 2 बड़े चम्मच। बस इसे हमें हल्का सा ही कुक करना है, इनफैक्ट कुक भी नहीं, बस अच्छे से स्टर करना है। और अब जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर हमने बनाया था, जस्ट मेक श्योर कि आप इसे लंप फ्री अच्छे से मिक्स कर लें। तो क्योंकि मुझे ड्राई मंचूरियन बनाना है इसीलिए मैंने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर में 1 कप पानी डाला है। अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो आप 2 कप पानी डाल सकते हैं। अब ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। सो ये ग्रेवी देखिए कलर बदल रही है, सो कुक होना स्टार्ट हो गई है। इस पॉइंट पे हम इसमें 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाल देंगे। तो ये हमारी ग्रेवी जो है कलर बदल के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे मंचूरियन बॉल्स। ये अब मैं फ्लेम स्लो पे कर देती हूँ एंड हमारे मंचूरियन बॉल्स हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से स्टर करेंगे। ये क्योंकि मैंने ड्राई बनाया है ये देखिए, तो ये बिल्कुल भी ग्रेवी एक्स्ट्रा नहीं है। सो इसे 1 मिनट के लिए और कुक करना है। ओके, सो हमारी कुकिंग कंप्लीट हो चुकी है और मेरे सामने है मेरा ड्राई
मैगी मंचूरियन, मैंने ग्रेवी वाला नहीं बनाया, मैंने ड्राई बनाया था। तो अभी सबसे पहले, बिल्कुल बातचीत नहीं, मैं इसे पहले टेस्ट करूँगी। इट इज़ अमेजिंग। वो जो मैगी ऊपर से जो हमने लगा के, वो ड्राई मैगी जो फ्राई किया है, वो बीच बीच में क्रम हो रहा है, एंड देन हमारी जो फेवरेट मैगी है उसका भी टेस्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ द मैगी मसाला, एंड इट इज़ अ परफेक्ट ड्राई स्नैक। तो मैं तो कहूँगी कि अगर यू नो सडनली घर पे कोई आ जाए और आपके पास कुछ है नहीं, तो आप ये मैगी बना के तो दे नहीं सकते, बड़ा अजीब लगता है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड मेरे हिसाब से मैंने कम चिली रखी थी, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों को शेजवान फ्लेवर पसंद है वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि ऐसे ही ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि सारे फ्लेवर्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से खिल के आ रहे हैं। सो आई टोटली लव्ड इट। एक मिनट, एक और बाइट ले लूँ प्लीज़, बहुत ही यम है। बहुत अमेजिंग है। एंड वन थिंग आई मस्ट से प्राची, कि आपने सारे जो मुझे इंग्रेडिएंट्स के प्रपोर्शन बताए, दे आर सो परफेक्ट। मतलब नमक भी मैंने आपके मेजरमेंट के हिसाब से ही डाला, तो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राची, अमेजिंग डिश। सो गाइज, आप लोग ये डिश अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है। हम सबको मैगी बहुत पसंद होता है, उसका एक बहुत ही डिफरेंट वर्जन है, मैंने तो आज तक कभी नहीं खाया था। सो आप लोग प्लीज़ ट्राई करना। मैं जैसे, मेरी आधी नियत यहीं अटकी हुई है, मैं वेट कर रही हूँ कि जब ये ख़त्म हो तो मैं इसे और खाऊंगी। इट्स यम, यू कैन नॉट स्टॉप ईटिंग। सो गाइज प्लीज़ प्राची के पेज पे भी जाइए और उन्हें भी सपोर्ट कीजिए। उनका पेज इज़ बाय द नेम ऑफ एट द रेट द शेफ इन यू। वो फेसबुक पे हैं, इंस्टा पे हैं, एंड यूट्यूब पे भी हैं, और उनका नाम यही है, द शेफ इन यू। सो वेरी गुड प्राची। एंड गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैगी की ये अमेजिंग सी डिश बना पाएँ और प्राची के बारे में जान पाएँ। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और प्राची, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फिर मैं उसे पिन कर दूंगी तो सब लोग पढ़ पाएँ। एंड बस जिस तरह से आप कुक विद DKI पे रेसिपीज़ भेजते जा रहे हैं, और भेजते जाइए गाइस, प्लीज़ सेंड मी सम गुड इंटरेस्टिंग डिज़र्ट्स। मैंने सोचा कि अब तक हमने एक भी डिज़र्ट नहीं बनाया है, कुछ मीठा हो जाए। सो नेक्स्ट एपिसोड के लिए कुछ मीठा ट्राई करते हैं। सो प्लीज़ मुझे कोई अच्छी इंटरेस्टिंग सी स्वीट डिश की रेसिपी भेजिएगा। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी गाइज, लव यू ऑल, एंड ट्राई दिस, इट्स यम।